हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे सुबह चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण पूरे इलाके में तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे पूरे इलाके में काफी ठंड हो गई है और तापमान में काफी गिरावट आई है। श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में गत दो दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और चारों ओर बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। सर्दी का प्रकोप पूरे यौवन पर है, इसी वजह से श्रद्धालुओं में काफी कमी नजर आ रही है। आजकल हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का पीक टाइम है। आज जो बारिश हो रही है वो हमारी फसलों के लिए वरदान है, ये हमारे शास्त्रों में लिखित प्रमाण है। रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज हो गई है। स्थानीय लोग सिर्फ घरों में दुबकने और अंगीठी सेकने को ही मजबूर है। हालांकि ज्वालामुखी मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस ठंड के मौसम का काफी लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी हो रही है। रुक रुक कर हो रही बरसात, ठंडी हवाएं, धुंध के कारण स्थानीय लोग बेहाल हैं। हालांकि अभी कुछ दिन इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। दुकानदार भी दुकानों के बाहर अंगीठियां जलाकर अलाप सेकने को मजबूर हैं। जय माता की। सभी भक्तों को आज मैं पुजारी अविनेंद्र शर्मा ज्वाला जी से बोल रहा हूँ। आज आप देख ही रहे होंगे कि कितना बढ़िया सुहाना मौसम बना हुआ है। दो दिन लगातार बारिश होती रही और आज सुबह से काफ़ी धुंध पड़ी हुई है और सर्दी का प्रकोप पूरे यौवन पर है और इसी वजह से यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। और ये हिमाचल में सर्दी का जो पीक, जिसको टाइम कह सकते हैं, वो चल रहा है अभी। और हमारे यहाँ जो जितनी भी जो फसलें हैं उनके लिए ये बारिश जो है एक वरदान है, क्योंकि यही जो हमारे शास्त्र में कहावत है कि पौष मास में गिरा हुआ पानी जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, वो बर्फ़ के रूप में वो गर्मियों में हमें जल की आपूर्ति करता है। तो इसमें कहावत है कि पौष मास में गिरा हुआ लोहा वो माघ मास में गिरा हुआ गोहा, मतलब गोहा मतलब वो सॉफ्ट, उसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है। और आज का जो पड़ रहा है ये पानी का जो बुछारे हैं, ये हमारे लिए आगे गर्मियों में पर्याप्त जल का साधन बनेगी और हमारे हिमाचल के जितने भी पहाड़ इस टाइम बर्फ से लग गए हैं, और यही हिमाचल की शान है। और मैं सभी दर्शकों से, श्रद्धालुओं से ये निवेदन करूँगा कि वो अब हिमाचल में जैसे मौसम खुलता आए और माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और हिमाचल की वादियों का अवलोकन करें। जय माता की। जय माता की जी। ज्वालामुखी में पिछले दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है कि नंगे पांव बाहर हम निकल भी नहीं पा रहे हैं। वो तापमान में इतनी गिरावट आ गई है कि लोग अपने घरों पर दुबकने पर मजबूर हो गए हैं और अंगीठी हीटर वगैरह का सहारा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये महामारी पता नहीं क्या कर रही है। जय माता की। आज सुबह से ही चारों ओर मंदिर के आसपास गहरा कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और अभी सुबह के से इसमें श्रद्धालुओं की आमद बहुत कम है। उम्मीद है कि जैसे ही दोपहर होते हैं उस टाइम तक श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। आज ज्वालामुखी मंदिर में बहुत धुंध और कोहरा है और बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम आग का सहारा ले रहे हैं